over the famous Kandrawar Bridge, one of the highest bridges in the world. को कई बार बनारस ऑफ हिल्स या छोटी काशी भी कहते हैं। कुल्लू से मनाली का रास्ता बहुत सीनिक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो हमारे लाहौल वैली ट्रिप का दूसरा एपिसोड है, जिसमें हम बिलासपुर से आगे की सफर को जारी रखेंगे। तो सामने होटल का बैक व्यू है और सतलुज रिवर का एक हिस्सा सामने नजर आ रहा है। तो हमारे लेफ्ट साइड में है होटल लेक व्यू, जहां हम कल रात रुके हुए थे। तो एक HPTDC का प्रॉपर्टी है और मेन हाईवे पर ही है। तो यहां पर हमें स्वीट रूम मिला था, जिसके नीचे के लेवल के रूम्स अवेलेबल नहीं थे। तो 40% डिस्काउंट के बाद ये रूम टैरिफ लगभग 2500 रुपये का पड़ा था। तो अभी हम बिलासपुर शहर के थ्रू गुजर रहे हैं। तो बिलासपुर जो है वो 673 मीटर हाइट पर है और यहाँ का क्लाइमेट मॉडरेट ही रहता है। तो हमारे होटल के पीछे जो सतलुज रिवर का हिस्सा था, जो पोर्शन था, उसको गोविंद सागर लेक भी कहते हैं। तो यहाँ से लेफ्ट को रास्ता जाता है टूवर्ड्स धर्मशाला, ओवर द फेमस कंड्रोर ब्रिज, वन ऑफ द हाईएस्ट ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। धर्मशाला यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है। तो इस रूट में ट्रैफिक काफी ज्यादा रहता है, खास करके ट्रक ट्रैफिक। दो लेन होने की वजह से स्लो मूविंग ट्रक्स को ओवरटेक करने में काफी टाइम लग जाता है। तो सामने देख सकते हैं कैसे कोशिश कर रहे हैं ओवरटेक करने के लिए। तो कीरतपुर से कुल्लू तक का रास्ते को 4 लेन बनाने का काम चालू है, लेकिन प्रोग्रेस काफी स्लो है। पता नहीं देखिए कब तक बन पाता है पूरा। तो अभी हम गगस पहुंच गए हैं। तो बिलासपुर से यहाँ का डिस्टेंस लगभग 12 किलोमीटर है, जिसको हमने 30 मिनट में पूरा किया। तो यहाँ से लेफ्ट का रास्ता भी जाता है टूवर्ड्स धर्मशाला, ओवर द सेम कंड्रोर ब्रिज, द फेमस कंड्रोर ब्रिज, और हम जाएंगे टूवर्ड्स राइट, टूवर्ड्स कुल्लू मनाली। तो ये ब्रिज जिसके ऊपर अभी हम ड्राइव कर रहे हैं, ये सतलुज रिवर के ऊपर बना हुआ है। ये इसके सलापर पावर स्टेशन के पास ये ब्रिज है। तो अभी हम सुंदर नगर पहुँच गए। तो बिलासपुर से यहाँ तक की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है, जिसको हमने 1.5 घंटे में पूरा किया। तो सुंदर नगर जो है सुकेती रिवर के किनारे बसा हुआ एक बहुत बड़ा शहर है, जिसका हाइट 900 मीटर अबव MSL है। तो अभी हमारे लेफ्ट साइड में बह रहा है सुकेती रिवर और हम पहुंच गए हैं मंडी। तो सुंदरनगर से मंडी लगभग 25 किलोमीटर दूर है, जिसको हमने अराउंड 30 मिनट्स में पूरा किया।
तो मंडी की हाइट जो है 760 मीटर अबव MSL है, और मंडी एक बहुत बड़ा शहर है और इसको कई बार बनारस ऑफ हिल्स या छोटी काशी भी कहते हैं। और मंडी में IIT का एक इंस्टीट्यूट भी है। तो ये मंडी शहर जो है वो सुकेती रिवर और ब्यास रिवर का संगम में बसा हुआ है। तो अभी हमने ब्यास रिवर पे बसा पंडोर डैम को पार किया, जिसका पावर जनरेशन कैपेसिटी 990 मेगावाट है और जिसका पावर प्लांट जो है वो देहर में है। तो पंडोर डैम की फोटोग्राफी मना है, इसलिए मैंने आपको नहीं दिखा रहा हूँ। तो पंडोर डैम जो है वो ब्यास रिवर के ऊपर बसा हुआ है। तो इस डैम का खासियत यह है कि इसका जो पानी पावर जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है तो उसको सतलुज रिवर में डिस्चार्ज किया जाता है। तो मंडी से पंडोर डैम का डिस्टेंस लगभग 20 किलोमीटर है, जिसको हमने 45 मिनट में पूरा किया। तो 4 लेन प्रोजेक्ट के चलते रास्ता कई जगह पे डैमेज्ड और नैरो है। तो और ब्यास रिवर मंडी से लेकर हमारे साथ साथ अभी तक है और आगे मनाली तक ये हमारा साथ देने वाली है। तो अभी हम ऑट टनल में पहुंच गए हैं। यहाँ से राइट टर्न को जो रोड जाता है वो जाता है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, तीर्थन वैली और जलोरी पास के तरफ। तो जो ऑट टनल है ये 2.8 किलोमीटर लंबा डबल लेन टनल है, लेकिन ये टनल बहुत ख़राब कंडीशन में है। अभी टनल का अंदर वेंटिलेशन और लाइटिंग प्रॉपर नहीं है और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कोई CCTV या स्पीड ब्रेकर्स नहीं है। तो अभी हम कुल्लू शहर पहुंच गए हैं। मंडी से कुल्लू का डिस्टेंस अराउंड 65 किलोमीटर है, जिसको हमने 2.25 घंटे में पूरा किया। तो अभी चलते हैं मनाली की तरफ। तो कुल्लू की हाइट जो है वो 1280 मीटर अबव MSL है। तो कुल्लू फेमस है अपने हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। तो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स की कई फैक्ट्रीज हैं और अंगोरा रैबिट फार्म्स भी काफ़ी सारे हैं। कुल्लू में घूमने के लिए काफ़ी जगह हैं, जैसे कि रघुनाथ मंदिर, नरसिंह मंदिर, दशहरा मैदान, भुवनेश्वरी माता मंदिर और बिजली महादेव का मंदिर भी है, जो कुल्लू से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर है। अभी हम पहुंच गए हैं पतलीकुल। तो कुल्लू से मनाली का रास्ता बहुत सीनिक है और मोस्टली ब्यास नदी के किनारे किनारे ही रास्ता चलता है।
तो यहाँ ब्यास रिवर राफ्टिंग के लिए भी फेमस है और कुल्लू से मनाली के बीच में आपको कई सारे राफ्टिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो कुल्लू से 15 किलोमीटर दूर है रायसेन, जहाँ पर एक कैंप साइट है और रिवर राफ्टिंग का स्टार्टिंग पॉइंट भी रायसेन ही है। और कुल्लू और मनाली के बीच में कई सारी जगह हैं, जैसे रायसेन है, पतलीकुल है और कतराई है, जो फेमस है ट्राउट फिशिंग के लिए। तो अभी हम पहुंच गए हैं मनाली। कुल्लू से मनाली तक का डिस्टेंस लगभग 40 किलोमीटर है और ये जो सामने नज़र आ रहा है वो है मॉल रोड, मनाली का फेमस मॉल रोड। तो अभी हम हिडिंबा देवी टेम्पल्स की तरफ जा रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि मैं वीडियो अपलोड करते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज रात हम मनाली में ही रुकेंगे और कल आगे की सफ़र जारी रखेंगे। तो वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।